नमस्कार दोस्तों, वाई एस एम एस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी किसी के होने ना होने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है या फिर इनके बीच में कोई एक नंबर हो सकता है। तो जीरो कब होगी? जब अनसर्टेन होगा, यानी कि आपका कोई चांस नहीं है। और 100% श्योरिटी होती है, यहाँ पर सर्टेन होता है, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी वन होती है। और इसके बीच में कोई भी चांस है तो वो जीरो और वन के बीच में आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का जो सम होता है वो वन होता है। इसके बाद यहाँ पर प्लेइंग कार्ड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं आपके, 52 कार्ड्स होते हैं जो कि दो कलर्स में आपके डिवाइडेड होते हैं, तो रेड कलर और ब्लैक कलर। 26 कार्ड्स आपके यहाँ पर रेड कलर के होते हैं और 26 कार्ड आपके यहाँ पर ब्लैक कलर के होते हैं। अब ये अलग अलग सूट्स में डिवाइड होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से सूट्स होते हैं। तो जो रेड कलर होता है उसके 2 सूट्स होते हैं, जो डायमंड और हार्ट्स होता है। इसी तरीके से जो ब्लैक कार्ड है उसके भी आपके 2 सूट्स होते हैं, जिन्हें हम क्लब्स और स्पेड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर 13-13 कार्ड्स होते हैं ईच सूट में। इसके बाद देखें आपके यहाँ पर फेस कार्ड्स भी होते हैं। तो फेस कार्ड्स की अगर बात करें तो जैक 4 कार्ड्स होते हैं, क्वीन के 4 कार्ड्स होते हैं और किंग के 4 कार्ड्स होते हैं। तो इन सभी पर फेस होता है तो इनको फेस कार्ड्स हम बोलते हैं। तो टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। और इसके बाद अगर हम एस की बात करें तो टोटल जो एस होते हैं वो 4 होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।